हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आप एकदम मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, स्ट्रेस फ्री होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग. एक्चुअली इट्स मिड मॉर्निंग, मैं आज लेट उठी हूँ थोड़ा, तो अ हैप्पी मिड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी सैटरडे. आज वीकेंड है एंड आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि आज हमने मूवी प्लान किया था. देन मेरे दिमाग में आया, इतना लंबा दिन है, 24 घंटे हैं, एक मूवी क्यों देखें, ज़्यादा देख लेते हैं. सो हमने डिसाइड किया कि हम दो मूवीज़ देखेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग मिसमैच हो रही थी ना, और हमने सिनेमा जो है वो डिफरेंट बुक किए थे, एक जगह पे नहीं, क्योंकि हमको अलग अलग जगह जाना था. यू नो ट्रैवल फ्रिक्स, मतलब छोटी छोटी जगह भी मुझे जाना बहुत पसंद है. दूर के लिए ट्रैवल नहीं बोल सकते, हम छोटे छोटे वाले ट्रैवल भी कर लेते हैं. तो अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं, ब्रंच बनाऊंगी मैं. उसके बाद लकी थोड़ा अंदर क्लीनिंग पर्पस में लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद हम दोनों तैयार हो जाएंगे और मैं तब आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं, कौन सी मूवी देख रहे हैं, और वो मूवी कैसी है कैसी नहीं है. सो स्टे ट्यून्ड. पार्किंग से ऊपर जाने वाले हैं और हम जो मूवी देखने वाले हैं, फर्स्ट मूवी आज के दिन की, वो है ब्लैक एडम. हम कौन से इसमें देख रहे हैं, वो 4 समथिंग. हम कोई डिफरेंट, मतलब उसमें VFX वगैरह कुछ ज़्यादा होंगे, उसकी टिकट भी महंगी थी, नॉर्मल जो थी. हाँ, 4DX, नॉट वेरी फेमिलियर विद एवरीथिंग. तो हमारी लिफ्ट ओपन हो गई है, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं, उसके बाद हम लिफ्ट चेंज करेंगे 3rd फ्लोर के लिए. दूसरा, वो जो नॉर्मल टिकट थी 2D वाली, वो थी अराउंड अबाउट 200+, तीनों मतलब जो पैटर्न होते हैं सीटिंग के, उसके लिए 200+ ही थी. लेकिन ये वाली जो है, इट्स वेरी कॉस्टली, मतलब बाकी के कंपेरिजन 500+. फाइनली हम ब्लैक एडम देख के आ गए हैं, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है. इट वॉज फैब्यूलस, इतनी मस्त, इतने अच्छा सिनेरियो, पूरा VFX, फाइटिंग सीक्वेंस, मतलब इवन कॉस्ट्यूम तक जो भी उनकी थी, आज वो बहुत अच्छी थी. एक पॉइंट पे जैसे कोई पानी वाला सीन है, तो हम पे भी हल्का हल्का पानी ड्रिजल किया जा रहा था. और क्या था लगी वो, हाँ, चेयर्स जो हमारी सीटिंग थी, जैसे कोई फाइटिंग सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें मैं ज़ोर से मुक्का मार रही हूँ, तो मुक्के पे चेयर्स भी शिवर, उनको मतलब मूवमेंट चेयर की भी करवाई जा रही थी. बाकी ये हमारा फर्स्ट टाइम 4DX एक्सपीरियंस था. हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. और मैं तो मतलब मेन ये
सारी मूवी जो भी था ये मैंने सिर्फ 5 सेकंड के एक सीन के लिए पूरी मूवी देखी है, वो था सुपरमैन हेनरी कैविल। हेनरी कैविल के आने के सीन के बाद मतलब मेरा पैसा वसूल हो गया उस 5 सेकंड के लिए, है रखी 5 सेकंड 500 रुपया वसूल, डन। मस्ट वॉच मूवी, मस्ट वॉच। तो सेकंड मूवी देखने के लिए मुझे चाहिए थी मतलब थोड़ा वेकअप कॉल चाहिए थी एक मेरे लिए, कोई एनर्जी चाहिए थी, इसलिए मैं स्टारबक्स गई और मैंने मतलब मैंने कहा इस बार मैं सिंपल सी कॉफ़ी ट्राई करूँगी, नो क्रीम नो एवरीथिंग, थोड़ा शुगर अवॉइड कर रही हूँ। इस चक्कर में मैंने एक ऐसी कॉफ़ी ले ली जिसकी फर्स्ट सिप में मुझे कहा कि तू बेवकूफ़ है, समथिंग क्या थी वो आइस लाटे समथिंग थी। मैं बड़ा रिग्रेट कर रही हूँ कि ये वाली क्यों ली, मैं दूसरी वाली लेने वाली थी बट स्टिल मैंने वही ले ली, पैसे वेस्ट। 0783 टिकट सिखा दीजिए। सो अभी हम जा रहे हैं कंतारा देखने, इनॉक्स जनकपुर में, पहले हम थे द्वारका में, अभी जनकपुर। तो अभी हम कंतारा मूवी देख के घर जा रहे हैं और मूवी कैसी थी ये मैं घर पहुंच के बताऊंगी, मतलब सारा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे फील हुआ है मैं सब घर में शेयर करूंगी। अभी टाइम हो रहा है कितना, 10:30 बज रहे हैं, 10:45। तो आज हमने एक दिन में 2 मूवीज़ कवर की हैं, मेरा शक्ल नहीं आ रही है बट चलो कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना। रिव्यू देने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मतलब मेरा जो यू नो जॉनर है ना व्लॉगिंग का, वो ये है कि थोड़ा डांस, थोड़ा व्लॉगिंग कर ली डेली लाइफ, थोड़ा कुकिंग कर ली, थोड़ा ट्रैवलिंग कर ली, मेरा रिव्यू वाला कोई नहीं है। तो ये जो मेरी ये मतलब ये मूवी इतनी इन्फ्लुएंसिंग थी कि मुझे मतलब मेरा मन किया कि आई वॉन्ट टू गिव अ रिव्यू ऑन दिस। तो मिलते हैं रिव्यू में। हेलो गाइस, हम अभी घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचने में कितना ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीकी था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा नहीं। घर पहुंचते ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ मतलब रिव्यू की, क्योंकि मैं इस मूवी को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ। ये मूवी मैंने जब से रिलीज़ मतलब जिस दिन रिलीज़ हुई थी उस दिन मैं कंगना रनौत को फॉलो करती हूँ, तो उनकी मैंने स्टोरी पर देखा हुआ था कि हाँ उन्होंने इस मूवी को रिव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि एवरी इंडियन मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड दिस वीडियो शुड डायरेक्टली यू नो गो बी अ नॉमिनेशन फॉर ऑस्कर्स। तो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस कि मुझे देखना ऐसा क्या है इस मूवी में, तो मैंने थोड़ा सा ट्रेलर वगैरह देखा इस मूवी का तो थोड़ा और एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि यू नो साउथ में एक चीज़ है कि वो अपने फेस मतलब केरला साइड मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो उनके डांसिस वगैरह में प्रॉपर फेस वगैरह बहुत यूनिक सा रहता है। तो मैंने लकी को बोला कि मूवी देखने चलते हैं, तो मतलब लकी ने बोला लेट्स गो। फिर हम दोनों जब गए मतलब सेकेंड ऑप्शन हमने रखा था, पहले हमने ब्लैक एडम देखी, उसका रिव्यू मैं आपको देती हूँ, फिर उसके बाद हमने देखी कंतारा। और स्टार्टिंग में जो उसका फर्स्ट हाफ है मूवी वाज एंटरटेनिंग, इट वाज यू नो अ बिट फनी, बीच में बहुत अच्छी अच्छी पंच लाइंस थी मतलब फ़नी वाली, और बहुत मतलब कल्चरल वैल्यूज़ रूट्स दिखाई हुई थी जो कि हमें आजकल के यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जैसे हम जो हिमाचल और उत्तराखंड के मैक्सिमम लोग हैं वो मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि हर एक गांव का एक देवता टाइप होता है। बट वैसे भी इस मूवी में भी कुछ वही दिखाया है कि एक पर्टिकुलर ट्राइब है, एक कम्युनिटी है, उनका एक देवता है, उसके बारे में कि वो कैसे वगैरह हुआ, मैं स्पॉयलर्स आपको नहीं दूंगी इससे आगे, लेकिन आप जब ये मूवी देखोगे तो आप जो स्पेशली हिमाचल ये सब उत्तराखंड जो जिनके हर एरिया में देवी देवता वाले हैं वो ज़्यादा रिलेट करेंगे। जो सेकेंड हाफ था वो एक पॉइंट पे आके बहुत इंटेंस हो गया, इंटेंस मतलब एक पॉजिटिव वे में, बहुत अच्छी एक्टिंग्स मतलब जो भी एक्टर जिसने भी ये डायरेक्ट किया है, ऑसम डायरेक्शन, बहुत अच्छी मूवी है, मेरा मानना है कि हर एक को देखनी चाहिए। नहीं मैं इलैबोरेट करके बोलती हूँ ना, ब्लैक एडम मैं सिर्फ एक पॉइंट मतलब मुझे पता था कि डीसी की एक मूवी आ रही है बट ठीक है मैं नॉर्मली एक्साइटेड थी, बट जैसे ही मैंने मेरे फेवरेट स्टार की एक पोस्ट देखी
और मुझे आइडिया था क्योंकि स्पॉयलर्स होते हैं ना इधर उधर इंटरनेट से आ जाते हैं, तो उनकी मैंने पोस्ट देखी तो उनमें क्लियरली बताया गया था कि हेनरी कैविल इज़ गोइंग टू रिटर्न इन डीसी सीरीज एज अ सुपरमैन. तो आई वाज यू नो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. तो मैंने लकी को कहा था कि हम देखेंगे. तो लकी ऑल्सो बींग अ साइंटिफिक फिक्शन फैन, तो लकी तो वॉज रेडी ऑलरेडी कि हाँ चलो हमको देखनी है ये. क्योंकि लकी ने ये सब मूवीज़ मतलब मैंने तो बहुत अभी मतलब 3-4 साल पहले देखी हैं, बट लकी ने बहुत पहले से ये चीज़ें देखी हुई हैं. तो बहुत पहले मेरा मतलब है कि बहुत पहले नहीं, मतलब जब से आई तब से देखी हुई हैं. तो जैसे हम ब्लैक एडम देखने गए तो स्टार्टिंग में हम 10 मिनट लेट हो गए थे, तब तक शुरू हुई नहीं थी, बस 5 मिनट का थोड़ा हो गया था, बट बाद में हम समझ गए कि उसमें क्या कवर हुआ है. मूवी वो भी बहुत अच्छी है, मतलब मेरे लिए फर्स्ट मूवी है जिसमें हम मैंने ये सब देखा, क्योंकि 3D मूवी तो हमने देखी थी विद गॉगल, वो जो होते हैं गॉगल्स उनके साथ में, लेकिन ये नया था. मतलब अगर कोई मुक्का मार रहा है ना तो मुक्के का भी वो मतलब जो इफेक्ट आता है मुंह पे, तो वो हमें मतलब सीट में फील हो रहा था कि हाँ हमारी सीट हिल रही थी कि हाँ अभी लड़ाई हो रही है. तो ऑन एंड ऑफ दिस डे वॉज अ बिग हिट, बहुत अच्छा गया. और क्या बोलूँ, इतना सारा बोल दिया. बहुत अच्छी थी, आप दोनों जाके मूवीज़ देख सकते हो. बाय.